आपने ऐसे किसी भी मौके पर खुद गर्ज नहीं होना, अगर आपको ऑफिस जाना है तो ऑफिस जाना है, अगर आपको मीटिंग्स अटेंड करनी है तो करनी है, अगर आपने किसी को टाइम दे दिया है तो फिर आप अपनी कमिटमेंट जो है वो पूरी करेंगे, और अगर आपके घर पे गेस्ट आ गए हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको संभालना, उनको देखना, आपके घर वालों की भी और आपकी भी, और इसको मैनेज करना। और फिर इतने सारे कामों के बाद अगर आपने शाम को अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाना है तो मेरा ख्याल है ये तो जाना चाहिए ना। तो खुद गर्ज नहीं होना किसी भी मामले में, खुद गर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। चाहे किसी की कितनी ही मर्ज़ी क्यों ना हो, लेकिन इस मर्ज़ी में आपकी मर्ज़ी भी ज़रूर शामिल होती है, क्योंकि कहते हैं ना कि कभी भी हम एक जुमला कहते हैं कि आदमी जो है मतलब मर्द तो कभी मजबूर होता ही नहीं है, और फिर हम ख़वातीन को कहते हैं ये तो मजबूर होती हैं, बस ये हो गया वो हो गया। आजकल कोई मजबूर नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, और अगर आपको कोई प्रायोरिटी लिस्ट पर कोई आपको नहीं रखता, कोई आपको प्रायोरिटी नहीं देता, कोई भी इतना ज़्यादा जो है ना वो मसरूफ़ नहीं होता, ठीक है ना, वक्त जो है ना वो निकाल ही लिया जाता है। तो अगर कोई इतना मसरूफ़ है जो आपसे दिन रात यही कह रहा है कि बस ये बात नहीं हो सकती क्योंकि मैं मसरूफ़ हूँ, तो ऐसे दोस्त का क्या फ़ायदा जो आपसे बात ही नहीं कर सकता, जो सुन नहीं सकता कि आपने सारा दिन अपना कैसे गुजारा और कैसे नहीं गुजारा, आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, या आज आपने ऐसा कुछ अच्छा किया तो क्या अच्छा किया, क्या करके आपको खुशी महसूस हो रही है। अगर ये सुनने वाला कोई नहीं है और ये आपके पास कोई ऐसा नहीं है जिसको आप ये बता सकें, तो फिर ऐसे इंसान का, ऐसे दोस्त का क्या फ़ायदा। तो अगर आप ये क्लेम करते हैं कि कोई आपका दोस्त है या आप किसी के दोस्त हैं, तो मेक श्योर करें कि आप उसको मॉरली सपोर्ट करें और उसको वक्त दें और अवेलेबल हों उसके लिए। बिल्कुल जी, ऐसे ही होता है, जब आपको आपका दोस्त टाइम नहीं दे रहा होता ना, तो फिर आप यही कहते हैं कि उसकी तो सारी बातें ऐसी हैं। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि जब आप कोई भी कमिटमेंट करते हैं ना, बेशक छोटी सी कमिटमेंट भी है, तो आप उसको पूरा किया करें। अगर आपने किसी से मिलने जाना है और उसका एक टाइम आपने स्केड्यूल कर लिया है कि जी ठीक है जी कल 12 बजे हम लोग मिल रहे हैं, तो इट्स मीन इसको मेक श्योर करें कि वो कल 12 बजे ही होना चाहिए। या ठीक है, एक दो दफ़ा ऐसा हो जाता है कि आपको मसरूफियत आ जाती है या कोई और सामने वाला मसरूफ होता है, तो फिर ऐसे में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें और उनको बताएं कि ये इशू हो गया तो हम लोग अवेलेबल, आज के दिन हम अवेलेबल नहीं हैं या हम कल अवेलेबल नहीं हैं, हम इसको नेक्स्ट प्लान करते हैं। बट फिर नेक्स्ट भी ऐसे नहीं कह देना कि हम आज नहीं कल मिल लेते हैं, और फिर कल पता चले कि फिर कोई मसरूफियत आ गई है। तो बिल्कुल भी आपने इस तरह से नहीं करना था भी, क्योंकि आप अपने स्केड्यूल को देखेंगे, अगले बंदे का भी ख्याल रखेंगे, और उसके बाद आप इस तरह की छोटी छोटी कमिटमेंट्स जो हैं वो करेंगे। कमिटमेंट्स पूरी करनी है, इसलिए कहती हूँ कि छोटी सी भी बात अगर आप कर रहे हैं तो आप उसको कोशिश करें कि आप उसको पूरा करें, क्योंकि फिर इस तरह से ना आपका एक इमेज ही बन जाता है कि ना ये तो है ही ऐसा कि इसने तो बात भी कर देनी लेकिन कभी बात को पूरा नहीं करना। और बिल्कुल ऐसे ही आप लोग के आसपास ही ऐसे लोग भी होंगे जो आपके साथ होंगे लेकिन आप लोगों की बात को वो मतलब समझते होंगे कि अगर इस बंदे ने ये बात की तो ये बात उसने ठीक की होगी, या अगर हमने कह दिया ना यार नहीं उसको तो टाइम पर बिल्कुल नहीं बुलाना, अगर उसे 2 बजे कह दिया ना तो उसने तो वाकई 2 बजे आ जाना है। तो हम अक्सर ऐसे लोगों को 2 की बजाय 3 का टाइम देते और बाकी सबको 2 बजे का या 12 बजे का टाइम भी दे रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे, हम उनसे कहते हैं सुबह 10 बजे आना है, क्योंकि बाकी ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा लेट होते हैं। अब मैं बिल्कुल नहीं बता रही, मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ऐसे मतलब पंचुअल, 12 बजे का मतलब 12 बजे है, और कुछ लोग मतलब ऐसे होता है कि 12 बजे का मतलब 1 बजे 2 बजे है। और हम लोगों ने बहुत सारी कर ली हैं बातें, और मैं ये चाहती हूँ कि अब आप इस सॉन्ग को इन्जॉय कीजिए, हमारा टाइम भी हो गया जाने का, 2:57 हो रहे हैं और 3 बजने में थोड़ा सा ही वक्त है, लेकिन आप लोगों से मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। गर्मी फिर से कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा, इसलिए इस गर्मी में भी एहतियाती तदाबीर पर अमल ज़रूर करना है आपने। सभी हल्के रंग के कपड़े पहने हैं, पूरे आसनीन वाले कपड़े पहने हैं, और आपने सबसे ज़्यादा ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, और बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से भी आपने गुरेज करना है। और अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो उस वक्त आप अपने सर को ढांप कर निकलेंगे ताकि आप पर जो डायरेक्ट धूप है वो ना पहुँचे, और आप चश्मे का इस्तेमाल करेंगे, मास्क का इस्तेमाल करेंगे, अगर आपके पास छतरी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में आपने पानी की बोतल ज़रूर रखनी है। मैं बिल्कुल भी अपने साथ नहीं रखती लेकिन आप लोगों ने जरूर रखनी है। तो मैंने आज के शो सूरज के साथ साथ सिर्फ इतना ही, दीजिए आज रिहान अजमी को ढेर सारी दुआओं के साथ इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ठीक 3 बजे आप सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस, इंजॉय कीजिए इस सॉन्ग को और दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।